बिहार के चुनाव से 6 सालों तक दूर रहे लालू प्रसाद यादव एक बार फिर मैदान में हैं। उन्होंने कल कुशेश्वर स्थान पर नीतीश कुमार और बीजेपी को जमकर घेरा। उनके अंदाज ने फिर से एक बार बिहार की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। लालू यादव से हमारे संवाददाता सौरभ कुमार ने एक्सक्लूसिव बातचीत की, सुनिए। कई सालों के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव एक बार फिर से बिहार के जनता के सामने हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं। सर ये बताइए, आखिरकार बिहार की जनता का प्यार, आखिरकार बिहार की जनता का प्यार आपको खींच रहा है? जनता का प्यार इलेक्शन हमको लाया खींच गया, जाना जरूरी था ना, और इस समय ऊर्जा शक्ति मिलती है, उनका रिस्पॉन्स जनता। पोलिटिकल लोगों का क्या मतलब टॉनिक है? जनता, जनता अगर नहीं समर्थन में रहेगी तो नेता लोग बीमार पड़ जाता है। काफ़ी भीड़ थी तारापुर में, कुशेश्वर स्थान में काफ़ी भीड़ थी आपकी सभा में? जी हाँ, बहुत जगह नहीं, इतना लोग दबा गया, खाना गया। आज तक के जो थे क्या जी, वो दबा गए उसमें भी। इतना लोग जाने के बाद से पूरा 10-15 हज़ार लड़का सब वहाँ डांस करने लगा, नाचने लगा। तो ये सब देख के एनर्जी और ज़्यादा मिलती है? काफ़ी मिलती है, काफ़ी मिलती है। राघव बीजेपी उठा, दोनों सीट जीतेंगे? हाँ दोनों का बात कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या आरजेडी की सरकार बनेगी बिहार में? आगे तो बनना ही है आरजेडी की सरकार, और किसका बनेगा, क्या बनेगा? मतलब विसर्जन तय है? सरकार का विसर्जन तय है, अच्छा कहा। लेकिन नीतीश कुमार बोल रहे हैं कि उनका बस चले तो वो हमको गोली मरवा देंगे। कल ही नारी हो गई महिला ने, कल ही उसी तरह से गलत हो रहा है, कल ही नारी बना रहे हैं। पता हमारा जो तक गोली मार, तुम हम मंत्री तुम्हारे पास सब सुनती है सर, हम गोली मारते चल रहे। तो क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हैं? जनता थी ले, जनता का हमको आरिवन करे कि लालू यादव देखिए सर के बाद जब बोलेंगे तो लालू और कुछ बोल देगा, सब समझते हैं उनके जाए। इस बात का अफसोस है कि 2020 के चुनाव विधानसभा में आप नहीं थे चुनाव प्रचार के लिए? अफसोस है तो हमारे अनुपस्थिति में तेजस्वी किया ना सर पूरा फ्रेम। लेकिन अगर आप होते तो सरकार बन जाती? बन ही जाती है, बना हुआ ही था, मैंने किया ना। इस बार भी आशंका है कि कुछ भी गड़बड़ हो सकता है इस उपचुनाव में? होगा तो हम देखेंगे, उन्हें सब करना है, जो करेगा तो उसका हिसाब किताब करेंगे। महागठबंधन जो है एकजुट है ये मानते हैं, कांग्रेस के साथ में हैं आप? नेशनल लेवल पर आपको बोला कि एकजुट करिए, वो सब पार्टी को मिला सब जगह। लेकिन जिस तरीके से आपने बयान दिया भक्तचरण दास को, अरे भक्तचरण दास को लेकर क्या किया, क्या उसको गाली दिया? भक्तचरण का मतलब होता है, वो बोलता है कि ईश्वर तो नहीं हो गया भक्तचरण, नहीं समझ में आता, जो मन में आता बोलते रहता है। लेकिन सर विपक्ष हमेशा यह कह रहा है कि परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, दोनों भाई एक दूसरे से लड़ते हैं। घर भाई आते रहे ना, हम यहाँ बैठे हुए हैं, कोई भाई आपस में नहीं रहता। तो बार बार भाइयों को, भाइयों के बीच तना तनी को लेकर विपक्ष क्यों बार बार कहती है? बोलता है कि इससे फायदा उठा रहे हैं, सब समझता है। चलिए अब आप रहेंगे बिहार में? रहेंगे नहीं तो कहाँ चले जाएंगे, अमेरिका। तो हमारे साथ थे लालू यादव पुराने अंदाज में, और उनका यह भी कहना है कि आने वाले चुनाव में जीत केवल आरजेडी की होगी, महागठबंधन की होगी। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज 24।